पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद जिले की लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार सांसद कुंवर सर्वेश सिंह ने राजबब्बर के चुनाव न लड़ने पर टिप्पणी की है। कुंवर सर्वेश सिंह ने कहा है कि उनके नाम की घोषणा होते ही राजबब्बर को मुरादाबाद से भागना पड़ा। यही नहीं, उनकी लोकप्रियता के चलते सपा बसपा गठबंधन अपना उम्मीदवार घोषित करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दल चुनाव प्रचार अभियान में जुट गए हैं। इसी कड़ी में मुरादाबाद लोकसभा सीट से भाजपा ने सांसद कुंवर सर्वेश सिंह को एक बार फिर से मैदान में उतारा है। 5 बार विधायक और 2014 में सांसद चुने गए कुंवर सर्वेश सिंह जहां अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कुंवर सर्वेश सिंह ने कहा है कि उनका मुकाबला वैसे राजबब्बर से भी नहीं था। अगर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या सोनिया गांधी मैदान में उतरे तो फिर मुकाबला होगा। उन्होंने दावा किया कि अपनी हार के चलते कांग्रेस ने राजबब्बर को इस सीट से हटाया है। भाजपा संगठन और कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताते हुए कुंवर सर्वेश सिंह ने एक बार फिर 1,00,000 से ज्यादा मतों से जीत का दावा किया है। ज्ञात हो कि भाजपा सांसद कुंवर सर्वेश सिंह तीसरी बार लोकसभा के रण में उतरेंगे। 2014 लोकसभा चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार एसटी हसन को मात दी थी। 2009 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने वाले कुंवर सर्वेश सिंह मुरादाबाद की ठाकुरद्वारा विधानसभा से 5 बार विधायक भी रह चुके हैं। हारने के बाद मैंने कार्यक्रम शुरू किया, होली मिलन कार्यक्रम। एक नहीं, 5 विधानसभा है, मुरादाबाद, ठाकुरद्वारा, कांट, देहात और बढ़ापुर। 5 विधानसभा में 2009 से हर बार होली मिलन का कार्यक्रम मैं रखता हूँ। बाई चांस 19 में चुनाव आ गया तो ये कोई नया कार्यक्रम नहीं है। 2009 से 19 तक जब तक मैं मुरादाबाद परिवार में सम्मिलित हुआ, मुझे आशीर्वाद सब प्यार मिला पूरे परिवार का, तभी से होली मिलन का। सांसद जी, राज बब्बर का टिकट जो है वो कैंसिल कर दिया गया, इमरान प्रतापगढ़ी का कर दिया गया। ये तो जब लोग हमारा घोषित नहीं होता तब लोग प्रत्याशी थे और जिस दिन हमारा घोषित हो गया उससे एक दिन पहले भागना शुरू कर दिया। क्या मानते हैं आप, क्या बजा रही होगी? चुनाव क्या था मेरा, मैं तो एक आस्ती के जुलूस में भी कहा था मैंने कि भाई कोई राज बब्बर का चुनाव हमारा, पहले भी कांग्रेस की नूरबानो साहब लड़ी थी, 19,000 वोट आए थे, ये तो भागना ही था। अभी जब तक हम प्रत्याशी हुए प्रत्याशी और जिस दिन हमारा नाम आया उस दिन भाग गए। मैंने ये भी कहा था कि अगर सोनिया जी, राहुल गांधी और प्रियंका जी चुनाव लड़ना सामने तो थोड़ा बहुत चुनाव लड़ने में मजा आएगा, भाई इनके सामने कुछ चुनाव क्या कहें, डर कर भाग गए। अब जो भी समझो आप। नहीं, अभी आपने कुछ दिनों पहले ही आपने यहाँ से मुरादाबाद से बयान दिया था कि जो है ये तो प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ गया, चैलेंज किया गया था, उसके बाद में जो है 2 दिन के बाद में इस तरह की नहीं बात नहीं है। पहले जब चुनाव जब लोग प्रत्याशी घोषित नहीं होता है हर पार्टी का वो आ रिया मैं आज से नहीं 91 से चुनाव लड़ रहा हूँ। जब भी बात आती है मुझसे कहते हैं ये प्रत्याशी आ गया क्या स्थिति रहेगी, मैंने इसके पार्टी के राष्ट्रीय नेता मुझसे चुनाव लड़े तो मुझे चुनाव लड़ने में मजा आएगा थोड़ा बहुत। अच्छा, तो आपने क्या चुनाव राष्ट्रीय नेतृत्व को चुनौती दी, उसके बाद में इमरान प्रतापगढ़ी को मुरादाबाद में उतारा, क्या माने फाइट कहाँ है? फाइट मेरी किसी से है ही नहीं, मैं चुनाव ही नहीं समझ रहा भाइयों। अगर अखिलेश जी आगे लड़े तो मजा आवे, उधर सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका लड़े तो चुनाव लड़ने में मजा आवे, या बहन जी चुनाव लड़े तो मजा आवे। इमरान प्रतापगढ़ी की क्या स्थिति रही? जो नूरबानो जी की स्थिति हुई थी कि लोकसभा में 19,000 वोट आए थे उससे भी बदतर।